हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन सीक्रेट की, जिससे आप अपनी स्केचिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ तीन सीक्रेट के ऊपर, और मैंने आपको कहा था कि आप 10 गुना ज़्यादा अपनी इम्प्रूवमेंट को लेकर आ सकते हो। तो गाइज़ वो कैसे, तो ये तीन सीक्रेट आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइज़ जो हमारा फर्स्ट सीक्रेट है वो ये है कि क्योंकि हम जो भी काम करते हैं तो गाइज़ हमें पता होना चाहिए कि हम वो काम को क्यों कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर आप स्केचिंग करते हो, मान लो आप किसी भी तरह की आर्ट फील्ड में हो, लाइक आप ड्राइंग करते हो, रियलिस्टिक ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, किसी भी तरह की कोई भी पेंटिंग करते हो, या पेंटिंग के बाद हम बात करें आप कुछ भी लाइफ में करते हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, मतलब कि हमारा विज़न क्या है उसके ऊपर, राइट? आपका विज़न क्या है, ड्रीम क्या है उस चीज़ के ऊपर, क्यों आप उस काम को कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे तरह से आपका विज़न पता है तो आप अपने स्केचिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो गाइज़ मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद आर्ट लाइन में एंटर हुआ तो मेरा सिर्फ मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। मैंने अपनी हॉबी को एज प्रोफेशन बनाया, कैसे, क्योंकि मेरा एक विज़न है अपनी आर्ट से रिलेटेड जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग विज़न होना चाहिए ताकि आप इस काम में प्रोफेशनली काम करें और जो भी आपका सपना है आप उसे वो पूरा करें। अगर आप एज ए हॉबी भी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एक छोटा विज़न बनाएं, ड्रीम बनाएं, ताकि आप अपने आप में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकें। और गाइस जो हमारा सेकंड सीक्रेट है वो ये है कि लाइट और डार्क का कम्बिनेशन, आपको लाइट और डार्क का कम्बिनेशन को अच्छे से देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ग्रेफाइट पेंसिल स्केच बनाते हैं या चारकोल बनाते हैं तो उसमें जो हम रेफरेंस पिक्चर लेते हैं वो हम उसे ब्लैक एंड वाइट करते हैं, जो उसमें जो कलर रह जाता है सिर्फ वो लाइट और डार्क रह जाता है या मीडियम शेड रह जाता है। तो आपको उसको अच्छे से समझना है रेफरेंस पिक को, आपको जो रेफरेंस पिक ले रहे हो उसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो। इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और वो कैसे बढ़ेगी, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली जब भी आप कुछ भी नया ट्राई करो आप रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि कहाँ लाइट है कहाँ डार्क है। तो गाइज ये चीज़ आपको प्रैक्टिस ही आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली प्रैक्टिस करो, जिससे आप ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो और इससे आपकी स्केचिंग में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और गाइस जो थर्ड सीक्रेट है वो है पेंसिल पर कंट्रोल, आपका पेंसिल पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, लाइक कि हमें शेडिंग करते वक्त पेंसिल को कैसे पकड़ना है, ब्लेंडिंग करते वक्त हमें, चलो ब्लेंडिंग तो हम ब्रश से करते हैं तो आपको ब्रश को भी कैसे पकड़ना है, हमें ब्लेंडिंग स्ट्रम को कैसे यूज़ करना है, आपको अपने टूल्स पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए तो ही आप अच्छे से उस रेफरेंस पिक्चर को सेम रियल लुक दे सकते हो, मतलब कि रियलिस्टिक लुक दे सकते हो अगर आप पेंसिल को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। लाइक हमें जब शेडिंग करनी होती है तो हमें पेंसिल को यहाँ से पकड़ना होता है, लाइक हमें थोड़ा डार्क करना होता है, प्रेशर से यूज़ करना होता है तो हमें पेंसिल को यहाँ से पकड़ना होता है। ऐसे ही आपको हर एक चीज़, जो भी आप बना रहे हो, हेयर बना रहे हो या नोज़ बना रहे हो, बियर्ड बना रहे हो, तो उसके लिए हमें पेंसिल को कैसे यूज़ करना है, आपको पेंसिल को कैसे कंट्रोल करना है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपको नॉलेज लेनी होगी इसके ऊपर कि हमें पेंसिल को कैसे पकड़ना है। तो गाइस ये जो चीज़ है ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको धीरे धीरे नॉलेज भी हो जाएगी। और मैंने पहले भी वीडियोस दी हैं, टिप्स दी हैं स्केचिंग के ऊपर इम्प्रूव करने में, आप वो भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, और मेरी बहुत सी वीडियो हैं जिसमें मैंने ट्यूटोरियल दिए हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे वीडियो जरूर सजेस्ट कर देना कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।